अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि बकरा ईद मुबारक। और जनाब, मुझे पता है कि सब बड़ी गहमा गहमी है और आपके घर में बकरा ईद बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मर्द हज़रात शायद बहुत ज़्यादा कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और आप लोग बैठी होंगी टीवी के सामने। और कुर्बानी की जो ईद होती है उसका मज़ा ही ये होता है कि उसमें खाना पीना, चटपटी बातें, मिल बैठना और ये रेसिपी डिस्कशंस, और हमने ये बनाया और हमने वो बनाया और हमने क्या नहीं बनाया। तो आज ये जो आपका ड्राइंग रूम है इसको भी हम सजाएंगे बहुत ही मज़ेदार खानों से। लेकिन खानों से ज़्यादा एक्साइटिंग जो चीज़ है वो है हमारे मेहमान, जो हमारे ड्राइंग रूम से आपके ड्राइंग रूम तक आएंगे और आप उनकी मज़ेदार चटपटी लजीज बातें इंजॉय करेंगे। और खाने का तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या बन रहा है। आज भी बहुत ट्रेडिशनल डिशेज बन रही हैं और वही बात है कि गोश्त का ज़्यादा एहतमाम होता है पकने का। और लेकिन ईद कुर्बान जो है वो बेसिकली ऐसी ईद जिसमें आप कुर्बानी तो करते हैं किसी भी जानवर की, लेकिन गरीबों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको अच्छे से अच्छा गोश्त खिलाएं। वो तमाम चीज़ें जो आप इंजॉय करते हैं वो आपके किचन से गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। तो इस दुआ के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, और एक और दुआ कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो तकरीबन सब आ गए हैं, तो पहले जो हमारे एक्साइटिंग मेहमान हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। एक बहुत ही अच्छी फनकारा, एक्टर भी हैं वो और राइटर भी हैं वो, बहुत अच्छी होस्ट भी हैं वो, सिंगर भी हैं, मतलब इतनी तारीफ़ें हैं कि मैं अगर करती जाऊं तो बस मैं करती जाऊंगी, है ना, और ये पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और वैसे मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसमें एक साथ इतनी खूबियां हों और वो सारी खूबियाँ जो हैं वो बरसरे आम हो जाएँ, यानी कि सबको पता चल जाए कि अच्छा ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करती हैं। तो हमारी बहुत प्यारी, बहुत स्वीट फनकारा, मैं दावत दूंगी आपकी भरपूर तालियों में, बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। सो लवली, माशाल्लाह। मैंने कहा बस अब ईद की ट्रेडिशंस जो है वो हमें चलानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, अच्छे अच्छे खाने खाएं और ईद की खुशी को जो है वो जरूर जाहिर करें। तो आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन ये बकरीद जो है इस वक्त एक और तरह की एक्टिविटी है। इसमें आपने कहा ना कि खवातीन टीवी देख रही होंगी, कहाँ देख रही होंगी बेचारी, मसाले लगी पड़ी होंगी, मुसीबत में पड़ी हुई होंगी। मैं सोचा अभी सुबह सुबह है ना तो जरा कुर्बानी हो रही होगी, कईयों के घर तो सुबह सवेरे हो जाती है, फिर वो कलेजी बनती है, फिर वो हिस्से बकरे होते हैं, बहुत काम होता है आज के दिन तो टीवी बहुत काम होता है। अल्लाह करे कि वो गुजरते गुजरते हमें देख लें। देखे अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, यू आर लुकिंग लवली। ये बताएं आपकी कुर्बानी हो गई घर पे? जी मेरी कुर्बानी तो बहुत सारी और बकरी की कुर्बानी वैसे जायज नहीं, लेकिन हो गई बकरे। असल में अब हमारी कुर्बानी थोड़ा सा लेट भी होती है, क्योंकि वो सुबह सुबह आजकल तो आज के दिन मतलब ये दो तीन दिन तो कसाई जो है वो शाहरुख खान होता है और सब उसके पीछे पीछे होते हैं, तो वो कुछ बुकिंग शायद थोड़ी लेट है। अच्छा, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, फिर एक कल भी है तो वो फिर किस्तों में जरा आराम हो जाता है। अच्छा चले आए बैठते हैं, हम गपशप लगाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्यारी कुर्सियां, अभी कौन सी वाली पे बैठूं? ये इंडेक्स की टेबल है। अच्छा, आप पहली वाली पे बैठ जाएं। बस ठीक है, मैं पता जिस शो में जाऊं और वहाँ पे स्पॉन्सर्ड चीजें पड़ी उनकी तारीफ करती हूँ, फिर वो मेरे घर भिजवा देते हैं। अच्छा तो ये इंडेक्स फर्नीचर की है, आप आराम से बैठ जाएं, इंशाल्लाह ये कल तक आपके घर पहुंच जाए। रख लें भाई, प्रोग्राम के बाद ही भिजवा दूंगी, डोंट वरी। मैंने एक दफा किसी शो में बड़ा प्यारा लाल सोफा था, मैं उस पर बैठ गई, का शो था, मैंने कहा कितना ब्रेक में, मैंने कहा भाई कितना प्यारा बड़ा खूबसूरत रेड, कहना आप उनकी तारीफ कर दें, कल भिजवा दूंगा। मैंने कर दी, उसके बाद देखा तो अगले दिन बेल बजाई, उन्होंने सोफा दे गए। डोंट टेल मी रियली। अच्छा, बड़ी लगती है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये तो है लोगों का प्यार है बस किसी तरह, बस ये बहुत। लेकिन मेरे पास अब इस मेज की जगह नहीं, सॉरी, मेरे पास बहुत सामान है ना। चले मैं ले जाऊंगी, आप ले जाए, मेरी तरफ नया घर खरीदना पड़ेगा इस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हो रहा है? बस बहुत कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, ड्रामे बहुत हो रहे हैं, जो मैं अपने आप से लड़ भी रही हूँ कि मैं इतने ड्रामे कहाँ करती थी पहले, इत्तेफाक से पिछले 10-8 महीनों में मुसलसल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। लेकिन अब सोच रही 2 महीने का ब्रेक लूँ तो बाहर चली जाऊंगी, थोड़ा बाहर चली जाएंगी। हाँ, बच्चों के पास करती हूँ, बच्चों के साथ। हाँ, बच्चों के साथ करती हूँ, फिर वहाँ भी काम होता है, वहाँ पे भी फंड रेज शोज करती हूँ, डॉक्टर्स वगैरह के, फिर उसके बाद फिर
ग्लासगो चले जाऊंगी, वहाँ पे भी एक शो है। अच्छा, फिर बच्चों के पास आ जाऊंगी, तो दो महीने जरा ट्रैवलिंग और थोड़ा मस्त। तो ट्रैवलिंग में जब आप होती हैं तो फिर बच्चों के लिए खाने वाने तो बहुत बनाती हूँ? नहीं, जब मैं उनके घर जाती हूँ, बड़ी वाली नरिमान वहाँ रहती, छोटी तो अब पाकिस्तान में है, तो हाय कुछ ना पूछे जो मेरा वहाँ कोई अगर वीडियो बना के रिलीज करे। जैसे इत्तेफाक है कि मैं टोरंटो, मेरी बेटी टोरंटो में, तो कोई तीसरा साल है कि जब मैं जाती हूँ हेलोवीन होती है। अच्छा, उसमें बच्चे मेरे दोनों नवासे जो है, एक नवासी नवासा, वो फिर सर के ऊपर चीजें वीजे लगे तो मैं उनके साथ जाती हूँ वहाँ ट्रिक और ट्रीट करने। जो बच्चों से लोगों के घरों में जाके स्वीट्स मांगते हैं और वो लोग देते हैं, तो मेरी बेटी कहती है अम्मा मैं आपकी वीडियो बना के ना अपलोड करूंगी कि आप टोरंटो में आके लोगों के घर में ट्रॉफियां मांगने जाते हैं, क्योंकि फिर वो जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके पीछे पीछे तो हम हैं। तो वो अभी इस दफा भी इत्तेफाक से मेरे सामने ही होगा हेलोवीन, मेरा वेट हो रहा है। तो आप भी इंतजार करें होंगे आपका, है कि नानो आएंगी तो फिर खाने पकाने का तो कुछ पूछे ही ना, बस फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ किचन में। रियली? वो फिर मेरे दामाद को आलू कीमे के पराठे पसंद हैं, फिर नरिमान को यखनी वाला पुलाव पसंद है, फिर यखनी वो बना के, फिर चने की दाल का हलवा, जर्दा, पाए, सब बनाती हूँ जाके। अच्छा। फिर कमर में दर्द होता तो रोती भी हूँ। अच्छा। मुझे आदत नहीं है घर के काम। चले आज मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, आज हम जो डिशेस बना रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम एक तो बारबेक्यू प्लेटर जो बनता है ना, हाय बड़ा हम वो बना रहे हैं, और दुआ करें चूल्हा बस सही चलता रहे, गैस बंद ना हो पीछे से। नहीं तो आग की कमी कहाँ है आपके पास? सियासतदानों से मिले थोड़ी सी आग, है ना, उन्हीं को बुझा दे, तीली लगाएंगे, पता चलेगा हड़प करके आग लग गई और क्या। सही बात है। और एक धीमी आंच पे बनने वाली फिरनी है, बादाम के खावन को बुला ले जो धीमी आंच पे रखता है। सही है। तो फिरनी बन रही है और बहुत मजा से बारबेक्यू प्लेटर बन रहा है। वाह वाह। लेकिन फिलहाल हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, चले जाएं भाई, ब्रेक नहीं लेंगे तो ये खर्चा कैसे निकलेगा सारा? ये गोश्त वगैरह खरीदा है। चलें, देखिए मैं नहीं कह रही, ये बुशरा अंसारी के कहने पे हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल जी, ब्रेक पे चलें। वेलकम बैक दोस्तों, और मैं तो किचन में आ गई हूँ डायरेक्ट, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ पकाना शुरू कर दूं ताकि खुशबू जो है ना उससे भी तो इंसान की वो टेस्ट बढ़े। और रंग तो देखिए कितने खूबसूरत हैं, है ना, लाल और सब। बस देख ले, ये आपके आने की वजह से जो है ना हमारा शो जो है वो बड़ा, अल्लाह ताला के रंग है जो हमें नजर आ रहे हैं सब्जियों में। हाँ, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को भी इतने रंग दिए ना, और कुछ इंसानों को तो बहुत ही ज्यादा दे दिए माशाल्लाह से, उनमें से आप जो है एक खुशकिस्मत। अल्लाह ताला रंग लगाते हैं, ठीक है, फिर अल्लाह का बड़ा एहसान होता है। ये तो ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा बुशरा, आप मुझे बताइए, आपके आप घर में खाना पसंद करती हैं बाहर खाती? मैं बहुत शदीद घरेलू खाना पसंद करती हूँ। अच्छा, और फिर मेरी शूट्स पे भी होता है, जब हम जाते हैं शूटिंग पे तो वो लोग भी कहीं किसी से घर का केटरिंग कराते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चिकन ना खाऊं, क्योंकि चिकन के बारे में बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये जो चिकन झूठ मूठ का, मैं देसी मुर्गी खाती हूँ अपने घर में, या मैं वहाँ पे रोज दाल चावल खा सकती हूँ। अच्छा, सब्जी से मैं बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, तो मैं बाहर जाके रिस्क नहीं लेती। वेरी नाइस। मतलब मैं निमको टिमको टाइप चीजें नहीं खाती। आई नेवर मंच बिटवीन द मील्स। ओके, कोई बहुत दिल चाहे तो मैं फ्रूट खा लेती हूँ। हाँ, नहीं तो नारियल पानी पी लेती हूँ। हेल्दी यानी कि आप? हाँ, क्योंकि हमारे बचपन में भी देखें, ये बच्चों को भी इन बिटवीन जो भूख लगती है मील्स के बीच में, तो हम क्या खाते थे? मकई भुनी हुई, हमारा नौकर लिया था तब के, या भुने हुए छोले होते थे हमारे घर में, उसके साथ वो एक मीठा सा होता था, क्या कहते हैं उसको, चाट मसाले की मुरमुरे, नहीं नहीं नहीं, मखाने मखाने, मीठा मीठे बॉल से होते वो होते थे, तो हम तो वो खाते रहते थे, तो हमने तो अनहेल्दी देखा भी नहीं था। अच्छा। और था भी नहीं अवेलेबल हमारे यहाँ, और इजाजत भी नहीं थी। हाउ लकी, हाउ लकी। आजकल कहाँ ऐसा है, बच्चे तो हर वक्त ऑर्डर, तो फलाना, तो चिप्स, तो पता नहीं क्या। हम तो चिप्स कभी हार्डली साल में एक दफा खाते, जब भी तो आप माशाल्लाह से पता नहीं। वो सब हमारी जनरेशन बड़ी लकी थी ना, मुर्गी भी असली पकती थी ना। अच्छा, तो ये कि मेरे ख्याल बेहतर यही है कि आप हेल्दी खाएं, सादा खाना खाएं, और ये बुजुर्गों वाली बातें नहीं है, ये अकलमंद वाली बातें। हाँ, वैसे ये तो है, नहीं अकलमंद भी है, और आपकी सेहत के लिए जो चीज अच्छी है वो तो डेफिनेटली। अब सब कुछ खासतौर पे जब आपने देख लिया है अपनी आंखों से, सब चैनल्स ने पता नहीं क्या कुछ दिखा दिया है, और क्या पक रहा है, और गोश्त में क्या मिला रहा है बाजार के लोग, और पता नहीं कौन कौन सी मखलूकों की चीजें हम खा रहे हैं। अजीब हो, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। मुझे वैसे एक जगह की निहारी पसंद भी है, तो मैं एक साल साल दो साल में एक दफा कभी अपने दिल को कहती हूँ अच्छा आज कुछ नहीं होगा, तो बल्कि मेरी दोस्त एक कहती है कि तुम इतना ख्याल रखते हो, सब मर जाएंगे, तुम जिंदा रहोगी तो तुम अकेली क्या करोगी। वैसे पॉइंट तो बड़ा वैलिड है उनका। नहीं, मरना तो सबने, लेकिन गंदी बीमारियों से मरना नहीं चाहती कि वो गंदी गंदी चीजें खाएं। सही बात, सही बात है। नहीं नहीं, आई थिंक इट्स गुड टू बी कॉशियस, थोड़ा सा अपने आप को देख के। वैसे लोग मुझे तक काफी हो गए पहले से, मतलब खासतौर पर अवेयरनेस बहुत आ गई है। लेकिन मैं अभी देख रही थी गुजरते हुए, इतना रश था तोबा दुकानों पे,
अच्छा खाने पीने की, खाने सैटरडे ना, और कुछ पता नहीं कि कीमे में जो चीज है उसके अब्बू का क्या नाम है। हाँ कुछ तो होगा, पता नहीं घर का पता नहीं है उसमें। अच्छा ये बताएं कि आप कहीं जाके मतलब लोगों के घर जाके खाना पसंद करती हैं, आप लोगों को अपने घर बुला के खिलाना मिलके, और स्पेशली ईद के टाइम बहुत ज्यादा मेरे घर खाने हुए हैं, मुझे लोगों को खिलाना। ईद पे आते हैं सब लोग? हाँ ईद पे, अब एक्चुअली जब बच्चे शादी होके चले गए ना, लड़कियां चली गईं तो कुछ खाली ईदें बदल गई हैं, अब वो बात नहीं रही है, जाहिर है अकेले से हो गए कुछ, या रिश्तेदार भी नहीं इतने खास, एक खाला साहब बहन है। अच्छा, तो या मैं चली जाती हूँ वहाँ, या फिर मेरी फ्रेंड्स हैं, रुबीना अशरफ है वो करीब रहती है, बेरोज है, अच्छा तो हम आपस में एक दूसरे किससे मिल लेते हैं, क्योंकि पहले दिन सब अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। अच्छा, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर लेते हैं, आपस में बैठ जाते हैं। लेकिन अभी ईदें बदल गई हैं, ईदें बदल गई हैं। वो छोटी मेरे सामने रहती है, मेरी बेटी मीरा, अच्छा वो अपने बच्चे लेके आती तो उसका एक उसका डिनर हो जाता है, फिर मेरे यहाँ आती है, फिर अपने ससुराल जाती है, ऐसे ऐसे ही होता है। अच्छा, यानी कि अच्छी हल्की फुल्की मजेदार सी ईद आप मना लेती हैं। वो जो एक बहुत हैवी वेट होती थी ना ईद, जिसमें बकरे बहुत हिस्से हो रहे होते थे, कलेजियां पकती थी, दावत होती थी, मतलब मेरी सास भी होती थी, फिर रिश्तेदार भी आते थे, तो एक बच्चों के साथ और चीज होती, बच्चों के दोस्त आ जाते थे, वो टाइम ही चेंज हो गया, चेंज हो गया, बच्चे चले गए, बड़े हो गए, सब चले गए, तो अब जरा वो तो चले, कोई बात नहीं। आप तो वैसे आपके इतने सारे शौक हैं, आप देखिए आप एक्टर भी हैं और आप राइटर भी हैं और आप माशाल्लाह सिंगर भी हैं, और मेरी नजर में तो आप इससे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जो तीन मेन काम है आपके, उनमें सबसे ज्यादा पैशनेट आप किस चीज के बारे में? गाना इसके लिए सबसे कम टाइम मिलता है। हाँ, और फिर ये हुआ कि अब शूटिंग्स प्लेस की इतनी ज्यादा, एक दिन में मुझे आंसू आ गया आँख में गाना सुन के, कि मैंने कितने दिन से गाना नहीं गाया, मैं कितने दिन से सुन नहीं पा रही हूँ। अरे आपको तो याद है एपीएमसी में आपने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया था ना? रियाज का भी टाइम नहीं है ना कुछ गाने का है, ऐसे घूम गई हूँ पता नहीं कहाँ, एक ड्रामे से निकली दूसरे में घुसी, दूसरे से निकली तीसरे में घुसी, अपने पे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम उडारी था, बहुत मजे का काम था, फिर एक और प्ले किया, फिर एक और भी अभी कर रही हूँ, अच्छा वो भी बड़ा रिच प्ले है, तो बस काम तो मजे का है, वो भी उसमें भी सुर अच्छा लग जाता है। आई नो, फिर आज फिर लगाएं एक लिखा हुआ मेरा सीरियल चल रहा था अभी पाकीज़ा, वो खत्म हुआ है। अच्छा, तो बीच में अब लिखने की फिर खुजली चढ़ी है कि शुरू करूँ, तो ऐसे है। तो यानी कि सबसे पैशनेट आप म्यूजिक के बारे में हैं, म्यूजिक इसलिए कि वो आपको कम टाइम मिलता है? नहीं, म्यूजिक तो बेसिक चीज है, एक्चुअली स्टार्ट ही म्यूजिक से किया था, और जब बचपन में थोड़ा सा भी शऊर आया था तो देखा कि मैं गाना गा रही थी, अच्छा तो समझती थी कि मैं तो सिंगर ही मैं हूँ ही, मतलब हाँ। मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगी, हाँ। ये मुझे पक्का पता था कि मैं हूँ, जैसे ये पता चला दुनिया में आके कि सिंगर मैं नहीं हूँ, अच्छा बड़े बड़े लोग हैं और जो गाना सीखते हैं, जो गाने को वक्त देते हैं, तो गाना उनको भी कुछ देता है। हाँ, सही, जब सही, आप म्यूजिक को कुछ देते हैं तो आपको टाइम चाहिए होता है, वो मैं कर ही नहीं सकी। अच्छा, तो फिर शादी के बाद काम किया, तो किसी ने ड्रामे में खींच लिया, किसी ने कॉमेडी में खींच लिया, किसी गाती भी रही साथ साथ, फिर पीटी भी बेशुमार गाया। अच्छा, मतलब आप मैं खुद अभी यूट्यूब पे देख रही थी, मुझे याद भी नहीं था कई चीजें, हर इम्पोर्टेंट म्यूजिक का शो जो था उसमें मैंने गाया, और इतने गाने मैंने खुद भूल गई थी, कहा ये वाला गाना ये कौन सा था, फिर मैंने कहा ये तो पीटीवी का था, तो मैंने शुरू के 20 साल बहुत गाया। जी जी, बहुत गाया और बहुत अच्छा गाया आपने, बस गावा लिया। चले आ जाए मेरे पास, आ जाए चले आप, हाँ। आप म्यूजिकल पर्सनालिटी जो आर्ट है ना, ये जो है ये भी एक बहुत कमाल आर्ट है, ये कमाल आर्ट है और ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ये मैं भी बना लेती हूँ। नहीं माशाल्लाह, मैंने देखे आपके, मगर मैं मजे के वो हम होते थे शो, हाँ। लेकिन ये कि बहरहाल बेसिक खाने तो सभी बना लेते हैं, हाँ, बेसिक आप की तरह उनमें फूल पत्तियां लगानी उनको खूबसूरत बनाना, प्रेजेंट करना। अच्छा, थैंक यू सो मच। नई इनोवेशन करना उनमें, बस मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सिखा दूँ लोगों को जो मैंने सीखा है बाहर, जैसे आज हम बना रहे हैं ना, हम ये फ्रेंच वो कर रहे हैं चॉप्स, ये मटन चॉप्स हैं जिनको कहते हैं कि फ्रेंचिंग, और फ्रेंचिंग में क्या होता है कि इसकी जो हड्डी होती है उसको हम बिल्कुल साफ कर देते हैं। अच्छा, जैसे ये है ना एक्चुअली जब ये आती है तो ये इस तरह की होती है, अब देखिए कितना हो जाती है ना, हाँ ये फैट बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसको चले हम आपसे तो इतना कुछ सीखते रहते हैं, हाँ, आप भी मुझे सिखा दें है ना कुछ ना। मैंने सोचा कि मैं भी विशाखा को कुछ नई चीज सिखा दूँ। तो ये फ्रेंचिंग जो होती है उसमें ये होता है कि बस ये जो एक्स्ट्रा गोश्त होता है ना, हाँ। कोई अच्छा सा आपके पास अगर नाइफ हो तो आप उससे इसको स्क्रेप ऑफ कर दें, इसको आप हटा दें, और ये बोन जो है ना बहुत अच्छी से निकल आती है, और फिर आप इसको थोड़ा सा पाउंड कर लें, वो जो मैलेट है हमारे पास उससे पाउंड कर लें, तो फिर ये इतनी साफ सुथरी और खूबसूरत सी देखे है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये बस ये मैंने सोचा कि आपके बहाने मैं लोगों को बता दूं, क्योंकि मटन चॉप्स का एक्चुअली ये होता है
के लोगों को बहुत पसंद होती है। हाँ। स्पेशली मर्द हजरात जो होते हैं ना, मटन चॉप्स का नाम सुनकर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है जो लड़की को देख के शायद नहीं आती होगी। मुंह में पानी भी आता होगा ना, बहुत पानी आता होगा। तो नहीं, वैसे चॉप्स देख के तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है ना। बस आज हम मटन चॉप्स को, अच्छा आप फ्राई करती हैं, तलती हैं, मैं बारबेक्यू करती हैं, क्या फ्राई करती हूँ? फ्राई करती हूँ, पहले उनको हल्का सा बॉईल करके तो नमक और उसमें हल्की सी काली मिर्च, लहसुन अदरक और काली मिर्च डाल के, अच्छा उसके बाद वो फिर क्रम्स लगा के और उसको फ्राई करते हैं। वाह, अच्छा होता है। और एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं बनाती हूँ, मेरा कुक बनाता है, लेकिन बताया हुआ सब कुछ मैंने ही है। अच्छा। लेकिन वहाँ जाके, टोरंटो जाके, तो मैं एकदम से अपना सेलिब्रिटी स्टेटस जो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मैं अपनी बेटी के घर में डोमेस्टिक हो जाती हूँ, लंकन मासी की तरह काम कर रही होती हूँ, बर्तन धोती हूँ, पर रोना भी आ जाता है, हाय मुझे क्या हो रहा है। अगर दिल चाहता है बच्चों को ये बना के दूँ, बना के दूँ, फिर वो एक्चुअली बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए तो कभी भी इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो खानसामा बनाता है, तो यहाँ तो हाँ खानसामा बता देती हूँ, मैंने सब सिखा दिया। अच्छा, तो ये देखिए मैंने भी इसको फ्रेंच कर दिया है, और इसकी थोड़ा सा ये होगा कि इसको जब हम फ्राई करेंगे ना, तो इसको गलने में बहुत कम टाइम लगेगा, और ये थोड़ी साफ सुथरी सी होगी, तो इस तरह इसको हम करेंगे। और तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, है ना, हल्का जरा। हाँ, और ये बहुत थोड़ा सा ऑयल है इसमें, है ना? जी मैंने थोड़ा कम रखा है, हल्का सा रखा है। अच्छा, एक और चीज हम बनाएंगे, जैसे नमकीन बोटी होती है ना, अच्छा ये एक्चुअली मेरा जो कसाई आया था ना कुर्बानी के लिए, उसने मुझे सही का पीस नहीं है निकाल के दिया। अच्छा। अंडर कट का अगर आप बनाए तो बड़ा मजे की नमकीन बोटी बनती है, लेकिन उसने ना मुझे कहीं साइड में से लीन मीट दिया है। अच्छा। तो मैं सोच रही थी कि इसको अगर हम थोड़ा सा पाउंड कर लें, ठीक है, तो फिर ये अच्छा टेंडर सा हो जाएगा ना, और उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च लगा के इसको ग्रिल कर लें, तो ये नमकीन बोटी की तरह की सो सिंपल एंड सो क्विक। जी, और वेजिटेबल्स के साथ खाएंगे इसको हम, बहुत मजे का लगेगा। बिल्कुल। तो चलें इसको मैं कूटती हूँ, कूटे इसको। मेरे ख्याल में बातें तो हमारी चलती रहेंगी, हमारी एक और बहुत एक्साइटिंग मजेदार सी गेस्ट जो है वो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद, प्यारी सी, हमारी प्यारी सी, क्यूट सी, सबको प्यार आता है, भुकलू सी। हाँ, तो झटपट ले लेते हैं छोटे से ब्रेक। फ्राइड मटन चॉप्स और बारबेक्यू प्लेटर, मटन चॉप्स 12 अदद, अंडर कट मटन स्टेक 4 अदद, हरी चिकन बोटी 6 पीसेस, सीख कबाब 6 पीसेस, टमाटर 3 अदद, बड़ी लाल मिर्च 6 अदद, प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, ग्रीन और रेड चटनी सर्व करने के लिए। तरकीब, तैयार किए हुए मटन चॉप्स पर नमक और काली मिर्च छिड़क कर फ्राई कर लें। तैयारशुदा स्टेक को ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च लगाकर ग्रिल करें। इसी तरह तमाम वेजिटेबल को भी तैयार कर लें। एक बड़े प्लेटर में सजाकर सलाद और चटनी के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक दोस्तों, हम आ गए वापस। सुजाना आपा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब मैं भी आके बड़ा मजा आया मुझे मिलके, देखना कितना मजा आएगा। ईद मुबारक, भरकम भरकम, बहुत नहीं, बहुत वार्मथ मिलती है। हाँ नहीं नहीं, बड़ी मोहब्बत है। और मेरी तो अक्सर दुराना आपस से मुलाकात होती है, पता कहाँ होती है? थिएटर में, ये कहीं छुप के बैठी होती है, बड़े मजे से ना चुपके चुपके ड्रामा एंजॉय कर रही होती हैं, और फिर मैं इनको पकड़ लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मिल जाती है। आप भी तो चुपके से होते हैं, ये भी तो आपको पकड़ती हैं फिर। है? नहीं मैं तो खुला आती हूँ, क्योंकि थिएटर का मुझे भी बड़ा बहुत बहुत अरसे की मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल जी, लास्ट टाइम मैंने आई सॉ यू तो आप थोड़ी सी स्लो थी, है ना? माशाल्लाह टुडे यू आर लुकिंग एनर्जेटिक। इस उम्र में तो स्लो ही होता है ना बंदा। नहीं नहीं, आज तो आप माशाल्लाह बड़ी फ्रेश लग रही हैं। मुझे पता है, मैं एक सेट पे थी, काम कर रहे थे। हाँ। तो एक आवाज आई, आपा, अब सारी तीन चार आपा ही उठ करेंगे। फिर आई ये आवाज, आपा, मैंने कहा खुदा का वास्ता कौन सी आपा, नाम लो। नाम लो। अच्छा। तो अब उन्होंने क्या 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 किया है, उन्होंने कहा जी हम उम्र के हिसाब से नाम लेंगे। बड़ी आपा, बड़ी आपा, मंजली आपा, मंजली आपा। मेरी बात सुनो भाई, मेरी होगी उम्र 70 साल की, मुन्नी आपा, मुझे अब माँ जी बुलाओ, खुदा का वास्ता माँ जी। हाँ वो मुझे नहीं, किसी ने कहा मैडम, मैडम मैंने कहा कौन मैडम, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा जैसे फॉर्मल लगता है। खैर बेचारे मोहब्बत से, इज्जत से, जो भी, बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। और जो आपका ड्रामा था ना आंगन टेढ़ा, उसकी वजह से बहुत हम शीरा सबका था एक्चुअली। इट्स
बिल्कुल बुशी इज गोइंग टू से द थिंग दैट आई वाज गोइंग टू से कि शी प्लेड द पिवोटल कैरेक्टर विद सलीम कासिम एंड आई थिंक दिस वाज सलीम्स दिस थिंग एंड हम लोग नगीनों की तरह पांच से पांच लोग इंपॉर्टेंट थे उसमें ये अच्छी बात थी और खैर सलीम भाई का तो एक और ही तरह का तो क्या आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर फिर सलीम भाई बन गए थे क्या था सभी के वर ऑल आई थिंक बिग अ गुड बिग सपोर्ट टू हिम ओह यस बट अदरवाइज कैरेक्टर वही एक था जो चमकता था हाँ वो पूरी आप लोगों की एक फैमिली थी वो खुशी विद हिम काम होता है ना तो जो आलमगीर गाना गा रहा था अल्लाह पता नहीं लोगों ने देखा होगा और फिर ये उनको इशारे कर रही थी शकील को और मैं दोनों को देख रही थी ना मुझे तो इतनी क्यूट चीजें थी ना वैसे अभी कोई कहता है की आप कॉमेडी नहीं मतलब सीरियस नहीं करती तो मुझे नहीं आई डोंट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस के मैं हर वक्त मैं सिटकॉम में नहीं कर पाती काम मुझे नहीं समझ में आता बिकॉज़ ये किया था या बीच में कभी सिंगल प्लेस कर लिए तो सही बट वो एक और तरह की कॉमेडी थी मीनिंगफुल कॉमेडी और एंजॉय भी बहुत करते थे लोग उस चीज को मतलब सोच भी आपकी वो एक नफासत के साथ हाँ, बहुत बहुत लिखा हुआ बहुत टेस्टफुली बिल्कुल लिखा हुआ तो अच्छा आप मुझे बताएं कि ईद की कोई ऐसी याद जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं आज कोई पुरानी में भी बचपन में आप कैसे ईद मनाती थी या अम्मी अब्बा कोई स्पेशल कुछ कराते थे हमारे लिए तो हर रोज ईद होती थी फिर रातों की ईद बनाते आप टॉमबॉय थी ना बहुत ज्यादा बट ईद तो सारों के लिए होता है ये मुझे याद है ईद वाले दिन जो है ना हम अपनी अम्मी की खाला के घर जरूर इंसिस्ट करते हैं अम्मी की खाला के घर ओके टू लेटर ऑन बिकेम माय मदर इन लॉ वहाँ हम जरूर जाते थे क्योंकि हमें अच्छे पैसे बाकी जो जाना 10-10 रुपए वहाँ पे 50 भी मिल जाते हाँ वहाँ पे 50 मिलते थे दैट टाइम इट वाज अ लॉट ऑफ मनी ओह यस आई एम श्योर सो वी यूज्ड टू ये मुझे याद है कि हम बड़े शौक से उनके पास जाते थे अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़ी सादा बच्चे होते थे उस जमाने के हाँ लेकिन मैंने सुना है कि दुर्दाना आपा का जब रिश्ता हो रहा था ना इनके प्रपोजल की बात चल रही थी तो ये बड़े डिफरेंट किस्म के कपड़ा इनका गेटअप कुछ डिफरेंट था क्या था वो व्हेन आई वाज मैरिड टू माय मदर्स फर्स्ट कजन टू माय मदर्स फर्स्ट कजन राइट एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉर अ रिश्ता फॉर हिम ठीक है सो माय ग्रैंडमदर एंड द सिस्टर दे सैट डाउन टुगेदर एंड दे स्टार्टेड काउंटिंग ऑल द गर्ल्स ऑफ द फैमिली अच्छा वो दे वांटेड माय सिस्टर लेकिन एट दैट टाइम माय सिस्टर वाज एंगेज्ड तो मेरा फिर बारी आई अच्छा मुझे पता ही नहीं था When my sister-in-law and my ex-husband, Allah usko jannat nasib kare, when they came to see me, rishta leke, I was sitting in the garden with shorts. हाँ बिल्कुल एक अजीब सी बात था. Shorts में और मेरे मुंह पे इतना बड़ा दाना वो निकला हुआ था. And I had a plaster on. Oh ho. Now when they came, मैंने हंसना हमने बड़े excited. मामा आया मामा उसका मामा कहते थे हाँ मामा कहते थे ना सही अच्छा. मामा तो उसके बाद दे व्हेन दे वेंट इनसाइड तो मैंने भी फॉलो किया उनको अब जो मेरी मम्मी की नजरें मेरे ऊपर आई ना तो शी वाज विविड बार बार मुझे कहती चले इधर जा चले इधर जा तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही मैंने मामी के साथ बैठना लेकिन वो उसके बाद जो मेरी बहन मुझे लेके गई ना अंदर तो कहती थी ये पता नहीं तेरा दुष्कर तय हो रहा है तो आई ऑलमोस्ट आप फेल डाउन फेंट हो गई होंगी हां ऑलमोस्ट बिकॉज़ आई नेवर थॉट वेल एवरीबॉडी हैज टू गेट मैरिड और उस वक्त तो हां उस वक्त मतलब रिवाज था कि शादी होनी जरूरी थी बारी आ गई है शादी कर दो अब बीए कर लिया है शादी कर दो ये नहीं कि कोई जोड़ है या पसंद है कि नहीं पसंद है टाइम होता था एक शादी का कि टाइम हो गया बस अब मुझे एक दफा ज़िया मोहिद्दीन साहब ने कहा काफी साल पहले की बात है अच्छा मेरे दोनों बच्चे थे तो वो एकदम मुझे कहते हैं अरे मैं तो शादी बहुत कम से नहीं में होगी मैंने कहा नहीं 20 साल कुछ महीने थे तो मेरी उम्र हो गई थी मेरी बारी आ गई थी ऐसा तो होनी थी बारी आ गई थी और होनी होती है फिर तो ऐसे होती थी एंड इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट इट वाज समथिंग दैट दे गेव यू अ चॉइस के भाई यू लाइक द बॉय और नॉट भाई हमें क्या पता क्या कैसा होगा बट समहाउ दे वर्स एंड
there was a commitment. Haan. There was a spiritual commitment to our parents that they would choose the best for us. तो हमने क्या बाहम करते थे शादी. आपको पुलिस भी ज्वाइन करनी थी ना शायद. हाय वो भी बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है. मोहम्मद इदरीस होते थे ये पाकिस्तान टाइम्स के जो वो टीवी पे एंकर थे बड़े मोहम्मद इदरीस एंड ही वाज पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे. तो एक दिन मेरे घर आ गए और उन्होंने मुझे डरा के रख दिया कि तुझे पुलिस ने बुलाया, तुझे पुलिस ने बुलाया, तूने कुछ किया है. मैंने कहा इदरीस आई हैवंट डन एनीथिंग, मुझे क्यों पुलिस बुलाएगी. एनीवे सारा रास्ता उन्होंने मेरी जान निकाली कि बिल्कुल नहीं चल रहा. तो व्हेन आई गॉट टू द पुलिस प्लेस एंड उधर वहाँ पे ही टुक मी टू द आईजी ऑफिस. मैंने कहा आईजी ऑफिस दिस इज गोइंग टू बी समथिंग बिग. तो व्हेन वी नॉक एट द डोर एंड वी वॉक इन तो आईजी पुलिस सब खड़े हो गए. अच्छा एंड ही सेड मेरे भाई ये मैडम आई ये मैडम आई. तो दैट्स द टाइम ही ऑफर्ड मी अ जॉब ऑल्सो एज इंस्पेक्टर पुलिस. क्योंकि उस जमाने में वो ना वो हायर कर रहे थे लेडीज को इन द पुलिस. मैंने पहली बार जब दुर्दाना जी को देखा रूडी को, मैं लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी और दुर्दाना वहाँ पे कनेड में आप पढ़ाती थी ना कनेड में. अच्छा और मैंने देखा एक बाइक के ऊपर एक बॉय कट बाल वाली और पतलून पहनी हुई और ये थी जैसे हैवी बाइक पे लड़के नहीं होते. ये तो दुर्दाना बटे और वैसे ड्रामो में अम्मी जान बनती थी जैसे मासूम सी. ये तो बिल्कुल डिफरेंट है ये तो. और बकायदा पूरी टॉम बॉय और चलती भी वैसे थी. हम लोग काफी लाहौर कॉलेज में जाते थे. आई शुड प्ले टेनिस देयर. अच्छा इनके लड़के लेसिया कहते थे हम इनको और ये हमें खेसिया बुलाती थी. लाहौर कॉलेज और कैनेड कॉलेज ना दोनों. अच्छा उनके मुखफ्फ क्या सामने सामने थे वो. नहीं पास नहीं ऐसे कोई एक मील का फासला. अच्छा करीब थे. तो बस ये टाइम तो फिर याद रह जाते हैं इंसान को. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज़ गॉड हैज बीन वेरी काइंड. गॉड हैज गिवन अस व्हाट वी वांटेड एंड आई थिंक वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर व्हाट ही हैज गिवन अस. देयर आर मेनी थिंग पीपल वांट. रूडी कभी खाना बनाया लाहौल वाला कुवत. देखा लाहौल वाला कुवत. अच्छा कुर्बानी हो गई आपके घर. कसाई वसाई तंग तो नहीं करते आपको. तो नहीं करते. आए थे सुबह और टाइम ले गए. टाइम लेके आए थे. अभी वो अपॉइंटमेंट लिए. हाँ जी बिल्कुल. मैंने कहा ना आज के दिन वो शाहरुख खान बने होते हैं. हाँ जी और उनके पीछे पीछे सारी दुनिया थी. आपको तो नहीं भागना पड़ा ना पीछे कसाईयों के हमेशा टाइम पे. मैं कहाँ भागूंगी कसाई मेरे पीछे भागूंगी. शायद आपको पता है. आपको तो सब पता ही होगा कि बेस्ट पार्ट बकरे के गोश्त में क्या होता है. ये मटन चॉप्स ये जो नहीं ये तो आपको पसंद है. हाँ, ये मुझे पसंद. कसाई का फेवरेट क्या होता है. कसाई का जनरली मैंने पता नहीं यहाँ पे मुझे नहीं पता. कसाई कुछ गोश्त उनको देना पड़ता है. अच्छा मतलब अदर देन द फीस. हाँ, हाँ. वो कहते हैं जी हमारा हिस्सा दे दें. अच्छा तो वो क्या हिस्सा फरमाइश करते होंगे आपको पता है. उजड़ी तो नहीं. नहीं नहीं अब आपको पता ही नहीं. आप इतनी बड़ी शेफ है मुझे पता है. आपने कसाईयों के साथ ज्यादा डील किया. मेरे तो अब्बा डील करते हैं. एक्चुअली मेरी जो फैमिली है पंजाब के ज़ाहिर मेरे दादा मेरे अब्बा बड़े खाऊ और बड़े बटे रहने वाले और बड़े खाने का बड़ा कल्चर था. उनको गोश्त की हर पार्ट की पता है कि क्या फायदा है. और मैंने अपने अब्बा से और अपने दादा से सुना हुआ है क्योंकि वो खुद बकरा लेके करवाते थे मेरे फादर. अच्छा वो एक गाँव में जाते थे वहाँ से करवा के लाते थे. अच्छा। तो ये मैंने सुना है कि जो बेस्ट पार्ट है बकरे का वो गर्दन होती है. गर्दन कसाई हमेशा कहता है जी एक गर्दन मनु दे दो बस. रियली हाँ गर्दन मुझे दे दे. पता चला कि गर्दन तो बेस्ट पार्ट है सबसे मजे का और सबसे अच्छा. अच्छा तो अब भी ये बात मतलब मैंने सुनी थी उनसे. और फिर मैंने देखा भी कई जगह पे कसाई कहते हैं जी वो फिर हमारा ऐसा गर्दन ऐसा करें हमें दे दे ऐसे करके कहते हैं जैसे कोई ऐसी बात नहीं है. और बंदे कहते हैं चलो गर्दन तुम ले लो. चलो गर्दन ये क्या करेंगे. बेस्ट मजे का. अच्छा नहीं मुझे वाकई ये नहीं पता था. क्योंकि मुझे ये पता है कि सबसे एक्सपेंसिव कट कौन सा होता है बकरे में. तो जो चांपों के अंदर से टेंडरलॉइन निकलता है ना एक बिल्कुल नरम सा गोश्त जो कि पसलियों के पीछे कहीं छुपा होता है. That is the most expensive part. और सबसे फोका कौन सा पार्ट होता है मैं बताऊं. फोका मतलब मजे का नहीं होता. हाँ मतलब जिसमें कोई मजा नहीं होता. वो हड्डी के बगैर जितना भी गोश्त है वो मजे का नहीं है. सबसे ज्यादा रान फोकी होती है. रान. अच्छा रान में टेस्ट वो नहीं होता. आप उसमें मसाले डालते हैं तो उसका वैसा. हम रान में रान का कीमा बनवाती हूँ. कीमे में ठीक है. हाँ कीमे में ठीक है. रान की बोटी अगर आप सालन में डालेंगे तो उसमें और अगली दस्ती और पुट
ये तीन दो तीन पार्ट्स हैं जो कि आप बकरे के खाते हैं। अच्छा, चलें आज तो मुझे काफी मालूमात हासिल हो गई। आपको पता नहीं गुजरांवाले के करीब एक गांव है एमनाबाद, वहाँ की हैं हमारे अब्बा। अच्छा, तो मैं पैदा तो कराची में, पर मुझे पता सब है खाने में क्या है। चलें फिर इसी बात पे आप हमें कोई एक अच्छा सा गाना सुना दें, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। चार आवाजें सुन ली है ना वैसे आपने, बस ये जो सिंगर बेचारे होते हैं छोटे मोटे उनका गला खराब। आपका तो नहीं होता? मेरा आजकल वैसे किसी और वजह से, और वैसे कभी और वजह से होता है। अच्छा, गला होता है टायर्ड होने से और रात को जागने से। अच्छा। तो मेरी पिछले दिनों इतनी की शूटिंग चली थी, मुझे रात को सोना नहीं मिल रहा था। ओहो, अभी तो समझे मेरी बहुत आवाज निकल रही, परसों तो मैं अच्छा होता तो हमारी खुशकिस्मती है, मतलब अभी समझे कि मेरी आवाज मेरी लग रही है। कल परसों मैं बात कर रही किसी ने, कहा जी कौन, मतलब पहचान नहीं कौन है फोन पे, बिल्कुल भाई 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 ऐसे हो। अच्छा, तो फिर कोई मैं कैरेक्टर भी ऐसा करी उसमें बड़ी एनर्जी है, चीखना है, गालियां लड़ाइयां उस दुकानों पे मैंने फायर किए हैं, वो मैं इसमें हिंदू औरत का रोल कर रही हूं। तो बड़ा डिफरेंट कोई रोल लग रहा है। हां, तो वो इतनी चीखने वाला, फिर झुग्गी जल गई, मैं वहां चीख रही हूँ बचाओ फलाना, उसमें मेरे गले के फरकचे हो गए। तो यानी गाना आज होगा या नहीं होगा? घर मर लेंगे, अब जब आ मर गए हैं तो घर मर भी लेंगे। नहीं वैसे आप गाती तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आपका मेरे ख्याल में गाना तो खैर आप एज अ प्रोफेशन आपने नहीं लिया, बट आई थिंक आपकी जो सुर की समझ है ना वो सब्लाइम है, वो उसी के वजह से तो गाया नहीं, समझ में ज्यादा आ गया ना। बहुत माशाल्लाह आपको। हाँ, समझ में ना आता तो गाती रहती। बारीकियां जो है ना, छोटी छोटी बारीकियां आप जो है ना वो आप समझ नहीं, बहुत बारीक है ना। एक्चुअली ये गाना भी एक वर्जिश है ना, अगर आप जब तक नहीं करेंगे तो फिर नहीं, आपकी पार्ट्स लूज हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। उसी तरह ही है, अगर आप गाएंगे वोकल कॉर्ड्स टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब मिला ही नहीं अब तो खैर क्या। चले मैं कुछ कोई अच्छा सा कुछ सुना दे। आदाब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ये दो खामोश कारगाने के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे ना, पार्टी के खामोश कारको नहीं। जब ये बोलेंगे तो इतना मजा आएगा, देखिएगा। हाँ, बुशापा गाना गाएंगी और गाने के साथ फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसी माइक पे जाएंगे, ये इको में चला जाएगा। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते हरे मां किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते हरे माए किथे रह गया। साड़ी अखां विच नींदरा उड़ा के, साड़ी अखां विच नींदरा उड़ा के, ते हरे माए किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, जी वेलकम बैक दोस्तों, हम आ गए ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आने के बाद काफी प्रोग्रेस हो गई है यहाँ पे। वो ये हो गई है कि एक बारबेक्यू प्लेटर समवट तैयार हो गया है आप लोगों के टेस्ट के लिए, और दूसरा हमें हमारे एक नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि बहुत म्यूजिकल हैं। और बुशापा ने उनको देखा तो उनकी तारीफ भी की, क्योंकि बुशापा कह रही थी कि मैंने इसको देखा नहीं था मगर नाम सुना था कि बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहा है। एक अच्छी बात होती है कि काम किसी का तारुफ होता है तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जी, और फिर ये इनका काम इनका तारुफ था तो मैंने समझ लिया फौरन। तो हमारे साथ बहुत ही एक अच्छे सिंगर सुहेल हैदर, उनका नाम है। सुहेल वेलकम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बहुत मुबारक आप लोगों को। ईद मुबारक। कैसी हैं? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजर रही है ईद का पहला दिन? क्या हो रहा है? स्लीपी ऑफ कोर्स। अच्छा, नहीं घर वाले नाराज तो नहीं हुए? बकरे बकरे हो गए और बाय बाय भी। अच्छा, रख रहे हैं? नहीं, मैंने सोचा कहीं घर वाले नाराज ना हो गए कि कुर्बानी छोड़ के ये चैनल पे जा रहे हैं।
कर ली हाँ जी, वेरी गुड। हो गए तो आप वो सवेरे वाले लोगों में से? मैं हूँ नहीं वैसे सवेरे वाले लोगों में से, मगर ईद ईद बकराई जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा। और अब मेरी बेटी जब स्कूल गोइंग हो जाएगी तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, वरना आई हेट वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। आई नो यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। आई एम नॉट अ मॉर्निंग, है ना। लेकिन कुर्बानी कभी आपने खुद की या? खुद ही करता हूँ, खुद ही कुर्बानी खुद ही करता हूँ। मीट जो है वो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था ये सवाल, मुझे पता था कि जवाब आएगा कि नहीं नहीं हम कुर्बानी में कसाई का इंतजार है, मैं खुद से फेरता हूँ। अच्छा, और बाकी फिर काम कसाई होगा। हाँ, बाकी काम तो कसाई ही करेगा। और वैसे एक बार पूरी गाय भी हमने काट ली थी, तीन भाई हैं, तीनों ने मिलके थी। ये अलग बात है, मगरिब की अजान होने वाली थी और अम्मी कह रही थी कि वो अभी तक बोझ बांटना भी है शाम तक। ये तो एक चैलेंज है गाय को काटना, हमने मगर उसको फिर कंप्लीट किया, बीच में नहीं छोड़ा। ये दुर्दाना आपा वाली बात हो गई ना कि ये बड़ी शरीर थी, सब कुछ थी, मगर फिर इन्होंने पीएचडी कर लिया, है ना, माशाल्लाह। कैसे आपा ये कैसे हो गया? In educational administration, फिर मैंने MBA किया माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर। अच्छा। और PhD मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन ओहियो किया। ओहो, ये बस आफ्टर आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माय हस्बैंड, राइट, मतलब ही वाज वेरी सिक, सो हमारा कुछ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सेपरेशन। अच्छा। तो मुझे फिर बाद में वो सब कहने लगे जी वो बीमार है, वो ये है, तुम ठीक आदि कर दो। मैंने कहा नहीं, ही इज टू लवली, ही इज टू गुड अ ह्यूमन बीइंग, और मुझे ऐसा बंदा मिलेगा। तो देन माय फादर सेड कि भाई क्या करोगे? मैंने कहा जी पढ़ाई। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई कंप्लीटेड माय MA फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हॉल आफ्टर डूइंग माय BA फ्रॉम कने। और उसके बाद फिर मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने गई, पता नहीं बथेरा कुछ किया। हमारी टहल सेवा करेंगी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। और आज तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे होस्टिंग का मौका मिला है। थैंक यू। ये ले जी भाई, अब ये सुघड़ापे की निशानी है कि आप सर्व कैसे करते हैं। हमारे तो भाई दोस्तों में जब हम कभी इकट्ठे होते हैं तो मैं जो हूँ वो चाय बनानी, मुझे मतलब चाय मुझे सर्व करनी पसंद नहीं है ज्यादा। अच्छा, अच्छा। बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है। God bless। और मुझे तो रुबीना अशरफ का काम है, वो आप आगे करें प्लेट ये उठा लो, मतलब ठीक है। अच्छा, आज हमने सेट पे एक हमारे पास एक बड़ी जबरदस्ती आइसक्रीम है ओमोर की। अच्छा। और हमारे पास ऑलपर्स का दूध भी है, तो उसका हम सोचे थे कि शेक बना के पिलाएंगे अगर आप लोग। क्यों नहीं, लो हमारे आगे खाते बताते हो, हमारी हम पागल है जो ना करेंगे। बिल्कुल, काम करते जाए, यादगार ईद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यादगार रहेगी, यादगार ईद रहेगी। हम खाते जाएंगे, आप काम करती जाएंगी। मैं काम करती जाऊंगी और गप्पे भी लगाती जाऊंगी। मतलब है मेरे मुंह में पानी इतना आ रहा है कि मैंने घूंट भर लिया ऊपर के ना ऐसे करके, है ना। ओके, नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। नहीं कर रहे, देख नहीं रही हूं। सोहेल बड़े बड़े तकल्लुफ, सोहेल आपसे तो नहीं कर रहा, सोहेल आपसे तो ये दूर है भाई। और मैं अब शेक बनाने लगी हूँ। और बहुत मजे का बना बच्चे, है ना। चलें, दैट्स गुड, आई एम हैप्पी। हमारे पास इस प्रोग्राम के बाद बहुत फरमाइशें आ जाएंगी हमारी चांपों की। अच्छा, फरमाइश से गाने की भी आ सकती है, आप लोगों को पता है। फरमाइश तो गाने की, हाँ, शायद भी गाती हैं। नहीं नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े सिंगर्स बैठे हैं, मैं तो आवाज मेरी तो सा भी नहीं निकलेगा। कितनी बुरी बात है, ईद के दिन मुझे बड़ा कह रही हो अपने जी। तो हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट जो हैं वो चांपों को बड़ा एंजॉय कर पड़ गए, पर एंजॉय नहीं कर रहे, पड़ गए चांपों को, पड़ गए चांपों को, पड़ गए। इतनी सी चीज है कि कैप्सिकम या टमाटर को ऐसे सेक लिया इन्होंने, और क्या मजे का हो गया, है ना, मतलब बस कमाल है। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोची थी कि जरा सा ओमोर की और ऑलपर्स की तारीफ कर दूं। UHT ट्रीटेड है स्पेशल इक्वेशन के लिए, बहुत जबरदस्त ये है, और अगर इसका आप शेक बना के पियेंगे तो सेहत से भी भरपूर होगा, तो वाई नॉट। तो मैं ये शेक बनाती हूँ और हम जाते हैं एक जबरदस्त से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो और खाना होगा, बातें होंगी, गाना होगा, सुहेल से बात करते हैं। उनका जो गाना है बड़ा मशहूर जो हुआ है उसके बारे में कुछ बात करते हैं, लेकिन आप ले लें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
जी वेलकम बैक दोस्तों, और आप देख रहे हैं कि हम मजेदार सा शेक बना रहे हैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के लिए और गपशप भी लगा रहे हैं। और सुहेल आपसे मेरा एक सवाल है कि आपका जो गाना था जिंदगी कितनी हसीन है, है ना, उसका मुझे बताएं कि फिल्म तो रिलीज हो गई। गाने के बारे में पहले आपको बताता हूँ मैं, जिंदगी कितनी हसीन है का एक ट्रैक है उदासियाँ, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं मुस्तफा जाहिद, लाहौर में होते हैं, उन्होंने गाया है। वो फर्स्ट पाकिस्तानी सॉन्ग था जो यूट्यूब पे 3 दिन तक जो है ट्रेंडिंग में नंबर 1 रहा था, जो कि हमारे लिए बहुत एक ऑनर की बात है। पाकिस्तान की तरफ से फिल्म का म्यूजिक कभी इतना प्रमोट होता नहीं है ना कभी। और आपको पता है कि जो हमारा नेबर कंट्री है वहाँ रोजाना को 3-4 मूवीज रिलीज होती हैं और उनका उतना ही म्यूजिक रिलीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके म्यूजिक के साथ हमारा म्यूजिक 3 दिन तक नंबर 1 रहना मुझे लगता है हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी मार्केट है और फखर की बात भी है, किसी कॉम्पिटिशन में आना बहुत क्रेडिट। तो अब जरा हम करके सुनाएं। अच्छा हम करके सुनाओ। बिल्कुल। अनजाने से राहें थी ना कोई दिशाएं थी, बस तेरी ही बाहों का सहारा था। लेना क्या दुनिया से था, हमको किसकी थी परवाह, बस एक तू ही था जो हमारा था। तू आस पास था तो न दिल उदास था, जब से गया तू दे गया उदासियाँ मेरे वजूद का। मुस्तफा से गवाया मैंने, क्योंकि ये सॉन्ग जॉनर जो था ये उनके स्टाइल का था, तो मुझे लगा कि ये अगर वो गाएंगे मुस्तफा जाहिद तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। और वैसे ये नमकीन बोटी जो है अब आप बहुत कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे डॉलेंस का एक माइक्रोवेव रखा हुआ है, जिसमें कहते हैं कि एक ड्रॉप ऑयल का डालें और कोई भी खाना जो है आप फ्राई कर सकते हैं एक ड्रॉप ऑयल। अच्छा। हाँ, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी हेल्दी ऑप्शन। लेकिन मैंने ग्रिल किया है क्योंकि वो बकरीद का टाइम है, तो जरा अच्छा लगता है कि अगर आउटडोर ग्रिल नहीं है तो घर में आप कैसे ग्रिल कर सकते हैं। उसको यूज कर सकते होंगे डेफिनेटली। हाँ, है ना? तो पीटीवी एक इतना मजबूत इदारा था जिसमें सायरा है, काजिम पाशा है, इन सब ने बहुत अपना एक सिग्निफिकेंट काम दिखाया है। इकबाल अंसारी साहब ने बहुत काम किया है, फिर सुल्ताना ने बहुत किया, सुल्ताना ने बहुत काम किया। मतलब पीटीवी एक ऐसा इदारा है जिसने बहुत बैकबोन की हैसियत है। वो उस तरह तो है, हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा समझे के साथ साथ, लर्निंग यानी मिस करते हैं आप, है ना? बिल्कुल, वी डू, वी डू। लेकिन मैं इसको यूं नहीं कहती कि वो जमाना अच्छा था और ये जमाना बुरा था। हर जमाने में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अच्छा, इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो इस बात को कंटिन्यू करेंगे और इनका जो ये नॉस्टैल्जिया है ना इसको आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कि आगे इससे और क्या निकलता है। ये नौ ब्रेक के बाद ये और मैं कुछ खाती हूँ। हाँ। जी तो ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बादामी फिरनी, दूध 1 लीटर, चीनी 1 से 1.5 कप, चावल का आटा आधा कप, बादाम का पाउडर आधा कप, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, बारीक कटे हुए बादाम 6 अदद, सिल्वर वर्क गार्निश के लिए। तरकीब, दूध को उबाल लें और चीनी, इलायची और बादाम का पाउडर शामिल करके उबलने दें। चावल के आटे को ठंडे दूध में मिक्स करके बॉयल दूध में शामिल करके मुसलसल चलाएं ताकि गाढ़ा हो जाए। एक बड़ी डिश या छोटी प्लेटों में निकाल कर बादाम और चांदी वर्क से सजाएं और ठंडा करके एंजॉय करें। वेलकम बैक दोस्तों, और हमें तो बहुत मजा आ रहा है अपने ड्राइंग रूम में। वो वाले मेहमान जो ज्यादातर काम में मसरूफ रहते हैं कभी कभी हमारे हाथ लगते हैं, तो उनसे हम बातें कर रहे हैं मजे मजे की, और वो लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि चले चूल्हे ने मुझे दगा नहीं दिया। और आप ये देखिए कि आप अगर गौर करें कैमरा शॉट बनाए तो सबसे ज्यादा मैंने बनाई है। आप देखो ना
मतलब मुझे तो देखो जरा, मैं तो देखा सब बातों में लगा, मैं तो छोड़ा ही नहीं चाहिए, इतना मजे का। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वेरी टेस्टी, थैंक यू, थैंक यू। आई एंजॉयड योर कैप्सिकम और ये टमाटर, टमाटर अच्छे लगे आपको? हाँ, मुझे अच्छा लगता है वेजिटेबल के साथ। अच्छा, ये भाई स्पेशल सेवन अप है आप लोगों के लिए, और क्योंकि मैंने बारबेक्यू बनाया है तो इसको कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं इस तरह के फिजी ड्रिंक्स, है ना, तो वो ठंडा ठंडा सेवन अप आप पिए और गर्मा गर्म बारबेक्यू खाएं। तो जी बिल्कुल, मैं आपको खोल गया। अच्छा मुझे बताएं, जब मैं आप लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे मोइन अख्तर बहुत याद आते हैं, मुझे सलीम नाजर भी बहुत याद आते हैं, और उनके साथ आप लोगों ने बहुत काम किया, इतनी अच्छी अच्छे ड्रामे किए, है ना, तो क्या मिस करते होंगे, जैसे कि अपने किसी सगे रिश्ते को आप मिस करते हैं। और केमिस्ट्री आप लोगों की इतनी अच्छी थी, और मैं बड़ी इस बात पे दो तीन दफा मैंने पहले भी शायद कहा है, मैं बड़ी एक अच्छी मुझे फीलिंग होती है, बड़ा इत्मीनान महसूस होता है कि मुझे जब लोग मुइन को इतना प्यार से याद करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि देखने वाले जो हैं वो भूलते नहीं हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करना नहीं छोड़ते। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि वो जब भी मुइन को, मैं मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, ज़ाहिर है उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा सामने नहीं है, तो उनका उनको समझ में नहीं आता, तो हम, मैं और अनवर साहब ही बेसिकली उनकी फैमिली नज़र आते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उनको भी जब कहीं भी पकड़ पकड़ के लोग कह रहे होते हैं कि मुझे भी हर जगह पे कहते हैं भाई वो, बिल्कुल, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि चलो वो चला तो गया, पर उस लोगों को दिल से नहीं गया वो। हाँ नहीं, वाकई नहीं गया। और वैसे भी बड़े डिफरेंट किस्म के इंसान से, मुझे याद है एक दफा, एक जमाने में मुझे बड़ा शौक हुआ था, पीटीवी में मुझे था कि मैं न्यूज़ कास्टर बनूंगी ना, तो मैं एक दफा गई, और जब वो रिसेप्शन जो पीटीवी का वो पुराना वाला था ना, वहाँ पे मैं पहुंची, तो मैंने देखा मोइन अख्तर बड़े मजे से वो क्लर्क के डेस्क पे बैठे हैं रिसेप्शनिस्ट के, और मुझे कहा जी बीबी आपको क्या काम है, आपको किससे मिलना है, तो मैंने कहा वो जी मेरा ऑडिशन है वो। अच्छा, अब आप इतनी छोटी सी आप ऑडिशन देंगी, आप न्यूज कास्टर बनेंगी? बड़ा उन्होंने मेरा साथ मजाक भी किया, तो मैं एकदम से टेंस थी ना, तो रिलैक्स हो गई मैं बिल्कुल, और उसके बाद मैं अंदर मजे से गई, लेकिन वो खैर मैंने पूरी जो भी न्यूज थी वो उल्टी पढ़ दी। अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो राइट कैंडिडेट थी, मगर वो मुइन अख्तर से मुलाकात जो है ना, मुझे याद हमेशा रहेगी, बिकॉज ही वो सो फनी, मजे की उन्होंने बातें की, वेरी गुड, माशाल्लाह से आई है। अच्छा, उनका जो बेटा है मुइन की, पूरी वो छोटा वाला, मैंने सुना है कि वो है मुइन की तरह, अच्छा दिखता भी वैसे ही है, अच्छा। और बात भी वैसे करता है, बाहर था ज्यादा, मैंने कभी देखा नहीं उसको, अब आ गया क्या? आ गया। अच्छा, उशद शर्जील नाम है उसका, जी जी बिल्कुल, वो मुइन उसको उस पे बड़ा होते थे कि वो देखना मेरी तरह निकलेगा, अच्छा, लेकिन वो चूंकि बाहर ही रहा तो अभी इतना सामने नहीं आया वो, और वाकई निकला, शक्लन भी आदतन भी मिलकर वही लगता है, जबरदस्त। तो देखिए, मैंने आप लोगों से इतने सवाल पूछे, अब आप लोग एक दूसरे से सवाल पूछे, एक दूसरे से पूछे, ए मैं क्या कपड़ा की पा लेता सी कपड़ा ए कितने ऐसे सूट बड़ा है ये टाइम नहीं मतलब ए कितना प्यारा दुपट्टा है, है ना, एलिफेंट बना, देखो एलिफेंट बने हुए तीन लड़कियां जब बातें करेंगी ना, तो मैं वाकई एक लेफ्ट आउट फील करूंगा। अच्छा, ये बताइए गाना किस राग में बनाया था, आपसे ये भी पूछूं मैं? नहीं, इसकी ये राग वाकई मुझे नहीं पता, नहीं पता राग है। अच्छा, आपने वैसे प्रॉपर सीखा नहीं है शायद उस तरह, प्रॉपर्ली? हाँ, क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं रही, लेकिन वो गिफ्टेड चीज थी, वो गाते गाते या वैसे पॉलिश हो गई, जबकि शायद जहाँ ट्रेनिंग लेती थी, मैं चांस था मेरे पास वहाँ से भी मैं क्लासिकल ट्रेनिंग लूँ, कहाँ पे? तानसेन, वो जो सामी साहब जहाँ पे सिखाते थे, तो शुरू में मैंने, मगर मैं अनलकी रहा कि वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले सका। नहीं, वैसे आप अनलकी नहीं रहे, क्योंकि वो तो थोड़े दिन बाद ही बंद हो गया था, नहीं बंद हो गया अब तक है, नहीं नहीं बंद हो गया, नहीं मतलब सामी साहब की चले गए थे, नहीं होती कोई जगह, अगर सीखना हो सीखता हूं आपसे, सबसे वैसे सीखता ऐसे भी हूं मैं। हाँ नहीं, ये तो बात है, लेकिन आप पैशनेट थे हमेशा से, म्यूजिक हमेशा से पैशनेट था। तो बेगम को आपकी कोई ऐसा स्पेशल? बेगम बहुत अच्छा गाना गाती हैं, मैंने 3-4 ओएसटीज गवाए गानों के, करंटली भी एक चैनल पे उनका गाना चल रहा है, मगर वो जरा हम फैमिली प्लानिंग में ऐसे लगे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम जरा कंप्लीट हो जाएं, तो फिर वो अपना काम भी परसू करेंगे और जो वो करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपकी बेगम मुझे लगता है बड़ी फेमस कोई है। वाह, मेरी बेगम फेमस, वेरी गुड होस्ट, एक दो बार मैंने देखा है, बहुत ज्यादा नहीं देखा बट मैंने एक दो बार देखा है। ओके, तो जबरदस्त, तो फिर कुछ और सुनाए हमें। सुनाने से पहले मैं अपने आप को लकी थोड़ा सा शो इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि मैं शायद उन चंद आवा लोगों में से हूँ जिन्होंने अपना काम पीटीवी से स्टार्ट किया था। अच्छा, हसीब रिजवी साहब का एक स्पेशल सॉन्ग 14 अगस्त के लिए बना था, नियाज अहमद साहब ने कंपोज किया था, और बेंजामिन सिस्टर्स का लास्ट गाना था वो पीटीवी के लिए, तो लकीली मैं उनके साथ था, छोटा सा था, मगर स्टार्ट फिर मैंने वो बज़्म-ए-ग़ज़ल
गजल सराय रात में आता था वहाँ, उसमें काफी पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तो लकीर हम इस मामले में इतने ऐसे लोगों के साथ या पीटीवी से अपने आप को एसोसिएट शायद छोटा सा करूं मगर कर सकता हूं। एक ऑथेंटिक जगह है ना पीटीवी के साथ। अच्छा, जरा सी भी एसोसिएशन हो तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वाकई वाकई। तो वो जो आपका एक सॉन्ग है मेरा रहा ना मेरा जिया, हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो मैं चाहूंगा डुएट करता हूँ आपके साथ। ऐसा गाना जो अवेलेबल हो, ढोलक क्या अवेलेबल, ढोलक क्या उसके ऊपर चिट्टा कुकड़ में और आप आगे सुनाएंगे वो आपका स्केल बहुत अलग होगा। एक्चुअली आप मेल स्केल हमेशा आप स्टार्ट करें, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। मुझे सच्ची बताओ क्या, मुझे वो आता भी नहीं इतना, कोई और गाने से मुझे इतना बोर लगता है ना ये। देखिए कितनी अच्छी आवाज है, इनको आता है चिट्टा कुकड़ बने रहते हैं। मुझे नहीं आता, मैं उसे गाने नहीं, मैं जरा थोड़ी और जख्मी चीजें गाती हूं। कुकड़ की कुर्बानी तो होगी नहीं आज, मगर ये कि कुकड़ का गाना सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। आप गाएं वो सिंपल सा, मेरे तो मैं बैठ जाऊंगा मेरे पास आके आपको सुना देता हूं। मुझे जरूर पास आके तूने क्या किया मेरा रहा ना मेरा था जो जिया, पास आके तूने क्या किया मेरा रहा ना मेरा था जो जिया। से काम करते हैं, मैं से कुछ और सुनाता हूँ क्योंकि वो जरा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर है नहीं ना, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कोई गजल सुना देता हूँ, गजल भी आपको सुना सकता हूँ सिर्फ गॉड्स के ऊपर। बिल्कुल गॉड्स पे ही रखे बल्कि जी गॉड्स पे ही। तो रंजिश ही सही खासा मेडिसिन की अगर आप जी जी जरूर 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 रंजिश रंजिश सही रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिश सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझे से खफा है तो जमाने और ये शेर आप दोनों के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, आपके लिए भी है। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश सही। क्या बात है, बहुत मजा आ गया, ईद का माहौल बन गया बाकायदा है। मैं वैसे मेहदी हसन साहब को बड़ा मिस कर बहुत बहुत, मैं उनका बहुत बड़ा फैन। क्या जो जो सुर का लगाव था ना लगाना, अमेजिंग ही वाज जस्ट मैचेस, वो कहती थी उनकी आवाज में भगवान ऐसे ही था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ईद का दिन आगे बढ़ रहा है और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है, तो मैं आप सब से कोई ना कोई मैसेज लेना चाहूंगी ईद का। बुशरा आपसे स्टार्ट करते हैं। जरूर, ईद के दिन को हम मनाते हैं क्योंकि एक मजहबी फरीजा भी है और एक खुशी का बहाना भी है, लेकिन हम सब तो ये कुछ खाते रहते हैं। मेरा तो ये है कि जी मैक्सिमम आप जो है वो बस इतना रखें कि आपको एक दिन ईद का लंच आप खा लें, अपने रिश्तेदारों को आपने बुलाया या आपके पेरेंट्स के साथ हैं या बहन भाइयों को, उसके अलावा जितना है वो उन लोगों में बांटे जो पूरे साल कभी मटन का नाम भी नहीं ले सकते। तो वो ईद का सही मकसद है, कुर्बानी है, लेकिन उस कुर्बानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप यूँ कर सकते हैं कि आप मुस्तहिक लोगों को
खाने का मौका। और दूसरे गंदा फैलाएं प्लीज। हाँ, सफाई का ख्याल, सफाई का ख्याल रखें। मैं आपको एक बात बताती, चलो छोटी सी, हम टर्की में थे एक दो साल पहले की बात है, तो बकरीद थी वहाँ। अच्छा। और हमारे साथ जो हमारे टर्किश फ्रेंड्स थे, गाइड थे, बड़े अच्छे स्वीट थे वो, तो हमने कहा कि कल आपका ईद का त्यौहार है, आप लोग हमें ना घुमाने ले जाएं। वो बहुत घुमा फिरा रहे थे। उन्होंने कहा नो नो नो, इट्स ओके, सुबह तो हम कुर्बानी करेंगे, दोपहर को हमारा फैमिली लंच होगा, फिर हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, हम इतने में वैसे घूमने निकल गए। मैं आपको बता नहीं सकती, ना तो किसी सड़क के साइड पे ना कहीं कोई बकरा था, ना कोई गोश्त था, ना कोई गंध था, दुनिया नॉर्मल चल रही थी। वो कोई खास जगहों पे अपनी कुर्बानी करते हैं और वहां से वो अपना गोश्त बना के और अपने घर में फैमिली डिनर करते हैं। हम तो तमाशा बहुत करते हैं, बहुत बहुत। वो फल्ला, एक तो मैं सॉरी टू से न्यूज चैनल है कि बकरे दिखा रहे हैं लोगों के, और पता नहीं पैसों की महंगी गाय दिखा रहे हैं, मत दिखाए। जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनको मत प्रमोट करें आप, क्योंकि ये क्या बात होती है कि आप इतने महंगा बकरा ले रहे हैं, तो अल्लाह को आप कैसे दिखा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो, जैसे बुशी ने कहा कि हमें जो एसेंस है उस इस ईद का, वो है कुर्बानी। और कुर्बानी का लफ्ज़ जो है बहुत वसी है। इट्स नॉट ओनली कि भी आप अपने लिए कुर्बानी दें, सबके लिए कुर्बानी। और एक दूसरे के साथ अगर हम खुले बात से चलेंगे तो उसमें हमारी कुर्बानी जो है वो बहुत बहुत नुमाया नजर आए। और हमारे मुल्क के लिए वी नीड दिस वेरी बैडली एट द मोमेंट। और हमारे जवान लोगों से मेरी, जैसे बुशी ने कहा, मेरी भी यही आपसे इल्तिजा है कि गंद ना मचाएं। ये कहीं पे आते हैं, कहीं पे पेट, ये मुझे बहुत बुरा है, दिस इज रॉन्ग। वेरी गुड। सुहेल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बस दोनों अपने सीनियर्स की बात को डेफिनेटली आगे लेके चलूंगा कि सबसे पहले तो वही बात कि अपने अपने फ्रीजर्स को ना भरें, और वो जो कहते हैं जी ये वाला हिस्सा यार ये रान हम अपना अपने संभाल के रखे और बाकी ये बस बांट देंगे, ऐसा ना करें। अब हम तो बाकी सारा साल खाते रहते हैं, या माशाल्लाह से लोग सारा साल खाते रहते हैं, तो जितना हो सके जो मुस्तक लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। बाकी सिक्योरिटी जो और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, और सेफ्टी प्रिकॉशन बच्चों के लिए देता हूँ कि मैं देखता हूँ बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके हाथ में इतने खतरनाक जानवर, तो खतरनाक ही होता है, वो लेके बाहर रोड्स के ऊपर भाग रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, उनको जरा थोड़ा सा जरा सेफ रखना चाहिए बच्चों को, मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए, वॉच करें तो बाहर उनको ऐसे ना जाने दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मैसेज। और इतने सारे खूबसूरत मैसेज के बाद मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हमने बहुत एंजॉय किया आज, बहुत मजे का, बहुत मजा आया मुझे आप लोगों की कंपनी खाने को, तो चटोरों ने आपकी कंपनी भी और ये भी हमने इतने सुकून से बैठ के, मैंने ईद के शोज और भी किए हैं ऐसे मजे से, आराम से सुकून से बैठ के हमने कोई शो नहीं किया। मुझे भी बहुत खुशी हुई, मेरा शो भी बहुत मुझे लग रहा है कि अच्छा हो गया है, क्योंकि आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने खूबसूरत चेहरे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू कमिंग, थैंक यू वेरी मच, गुड होस्ट, आप भी बहुत अच्छे रहे, खुश रहो, थैंक यू, अल्लाह तुम्हें अपने ज़मान में रखे, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं की, खुशियों वाली घर की खुशियों, थैंक यू सो मच, और सबसे बड़ा महफूज रखे सबको अल्लाह, जी बिल्कुल, आप लोग हालात है ठीक होने चाहिए। और सुहेल थैंक यू सो मच, आप भी आए, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा एंटरटेन किया, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा हमारे इस लिविंग रूम जहाँ पे ईद अभी जारी है, और लेकिन टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया है तो आप इंजॉय करें, और वही बात है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनका ख्याल रखें, और जस्ट हैव फन, इंजॉय योर ईद, और मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह अगली ईद पे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।